हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए एम के सपोर्ट। तो दोस्तों, हमारे पिछली बार वीडियो पे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि ब्लॉगर पे मेनू के अंदर किस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू ऐड किया जाता है। तो उस सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो पर मैं स्पेशली यही बताऊँगी कि किस तरह से आप ब्लॉगर पे ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते तो वहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन मेनू जो क्रिएट करने पर बहुत ही सिंपल सा काम होता है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे यूज करते तो ब्लॉगर पे दो तरह का ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट किया जाता है। तो पहला जो है कि आप अपने जो ब्लॉगर का लेआउट है वही पर से आप ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉगर की लेआउट पे बोर्ड मेनू वाला ऑप्शन शो नहीं करता है। तो उस टाइम हम लोगों को जाके HTML कोडिंग पे एडिट करके ड्रॉप डाउन मेनू ऐड करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका लेआउट पे ब्लॉगर की लेआउट पे मेनू बार का ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पर से आप किस तरह से ड्रॉप डाउन या सब मेनू ऐड कर सकती हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको इस वाले चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ आगे आपको लाइव पे अर्निंग करने की मौका भी हम देंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने ब्लॉगर अकाउंट पे लॉगिन करना है। तो पहले से मेरे जो ब्लॉगर अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले मेरा जो वेबसाइट का प्रीव्यू है वो आपको मैं दिखाई, तो ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ पर मेरा जो मेनू बार है वो ओपन करता हूँ। देखिए, मेरा अभी जो ड्रॉप डाउन मेनू है वो रिचार्ज वाले ऑफ़र, UPI ऑफ रिचार्ज वाले ऑफ़र के अंदर जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का ऑप्शन है। UPI के अंदर भी बहुत सारे मेनू ऑफ़र है, मेनू बार सब मेनू मैंने लगा के रखा है। तो आज मैं आपको यहाँ पर देखिए गोडेडी या गोडेडी के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी सब मेनू नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको गोडेडी के अंदर किस तरह से सब मेनू में लगाऊंगा तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चले ब्लॉगर पे मैं यहाँ पर आ जाते हो। तो आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो लेफ्ट पे स्क्रॉलिंग जो आइटम्स है वहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो लेआउट पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम वेट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मेन मेनू का एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो मेन मेनू पे यहाँ पर आपको एडिट करने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो मेनू ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक आपको यहाँ पर नेम देना है। तो नेम पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अगर पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक अंडर स्क्रॉल देना होगा, ठीक है। तो एक अंडर स्क्रॉल की मतलब है आप किसी का ड्रॉप डाउन मेनू बना रहा है और उसके अंदर भी आप सब मेनू बनाना चाहते हो, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप डाउन मेनू किस तरह से क्रिएट करना है वो आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे जो किफ़ायती और सस्ते का ट्रिक है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गोडेडी के अंदर जैसे लिख देता हूँ ABCD के नाम पे मैं एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना चाहती हूँ और यहाँ पर आप लिंक पे मैं यहाँ पर अभी कोई भी लिंक मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर सिंपली मैं हैश डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली ऐड लिंक कर देता हूँ और देखिए मेरा जो ABCD का लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो किसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ, गोडेडी के अंदर, ठीक है। तो इस लिंक को मैं सिंपली गोडेडी की अंदर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपली ये बार जो डाउन एरो देख रहा है तो डाउन एरो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और एक जो ब्लॉगर के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पर दोबारा इसको एक बार और करूँगी ताकि ये जो ABCD का मेरा फोल्डर है जो मेनू है वो गोडेडी के अंदर आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोडेडी के अंदर ये मेनू को मैंने यहाँ पर ला चुका हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली सेव पे क्लिक करूँगी और मेरा जो मेनू है ड्रॉप डाउन मेनू वो आ जाएगा मेरा गोडेडी के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो
गोडेडी के अंदर कोई भी सब मेनू नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो गोडेडी के अंदर आ जाएगा। देखिए काम हो चुका है, गोडेडी के अंदर मेरे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू आ चुका है जिसका नाम है ABCD। तो ये रहा पहला ड्रॉप डाउन, और आप चाहते हो कि ABCD के अंदर भी और एक आप सब मेनू लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली दोबारा अपने ब्लॉगर की लेआउट पे जाना होगा। उसके बाद आपको मेन मेनू पे जाना है, और किसी सब मेनू ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर अगर आप सब मेनू ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू साइट नेम पे जाना है, और यहाँ पर आप पहले वाले जो एक ड्रॉप डाउन मेनू यूज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल अंडरस्कोर यूज किया था, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो अंडरस्कोर यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं XYZ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई अभी लिंक नहीं है, अगर आपका लिंक देना चाहते हो कोई सा भी लिंक तो आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली ऐड लिंक पे क्लिक कर देते हो, और देखिए यहाँ पर XYZ के नाम पे एक मेनू यहाँ पर आ चुका है। तो पिछली बार की तरह ये वाले मेनू हम लोग कहाँ लगाएंगे, ABCD के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये मेनू जो है वो ABCD के अंदर लाना होगा। ठीक है, तो चलिए ड्रॉप एरो यूज करके हम लोग इसको ABCD के अंदर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए XYZ जो है मेनू वो हम लोगों ने ABCD के अंदर यहाँ पर ला चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पर जो मेनू बार है वो सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ABCD के अंदर कोई भी मेनू नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पिछली बार की तरह दोबारा रिफ्रेश कर लेता है, और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर मेनू बार के जाके हम लोग आपको दिखाऊंगा। देखिए गोडेडी के अंदर सिंपली हमारे पहली बार ABCD के नाम पे फोल्डर था, और देखिए ABCD के अंदर हम लोग भी और एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम है XYZ। तो देखिए ABCD के अंदर एक और फोल्डर रह गया है जो XYZ। अगर इस वाले लिंक पे हम लोग अभी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी लिंक अब तक नहीं डाला है। तो आप चाहो तो आप लिंक डाल दीजिए, आपका लिंक जो है वो वर्क करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पे मैंने आपको जो बताया वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ताकि आप लोगों की एक लाइक हम लोगों को बहुत मोटिव करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर एक लाइक करना हमारे इस वीडियो पे। तो चलिए आज की इस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मुलाकात होंगे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, जय हिंद, वंदे मातरम, और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। टेक केयर, बाय बाय।